हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2023। तो रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट पंजाब एंड सिंध बैंक का, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। तो राइट हैंड साइड में आप लोग को आ जाना है और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो डिपॉजिट और एडवांस। तो यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट का वेब पेज में। आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव है, ठीक है। ये सेविंग बैंक डिपॉजिट का रेट है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सेविंग बैंक डिपॉजिट इंक्लूडिंग एनआरई एनआरओ रिवाइज्ड रेट, ठीक है, अप टू 1 crore 2.80, 1 crore to 100 crore 2.90, 100 crore to 500 crore 4.50, एवो 500 crore जो है 5% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा अगर आप लोग सेविंग बैंक डिपॉजिट में पैसा रख रहे हो तो, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को टर्म डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिवाइज्ड विथ इफेक्टिव फ्रॉम 21 फरवरी 2023 से इफेक्टिव है। मैच्योरिटी फिक्स डिपॉजिट लेस देन 2 CR के लिए एप्लीकेबल है। 7 से 14 डेज 2.80, 15 से 30 डेज 2.80, 31 से 45 डेज 3%, 46 से 90 डेज 4.75, 91 से 120 डेज 5.10, और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 179 डेज तक। 180 से 269 डेज 6.10, और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 364 डेज तक। 1 year to 2 year 6.40, एबव 2 year to less than 3 year 6.75, 3 year to 5 year 6.25, और ग्रेटर देन 5 year to 10 year जो है 6.25। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पार्ट था ये नॉर्मल सिटीजन के लिए रेट था, ठीक है। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर सिटीजन विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ 0.50% एक्स्ट्रा ऑन टर्म डिपॉजिट ऑफ लेस देन 2 crore, ठीक है। तो जो भी आप लोग का यहाँ पे रेट चल रहा है नॉर्मल सिटीजन केस में, जो कि हाईएस्ट है 6.75, ठीक है। तो अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो 0.50 एक्स्ट्रा आप लोग को ऐड करना है, दैट इज यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है 7.25%, ठीक है। और ये जो है आप लोग को मैच्योरिटी पीरियड 180 डेज के अबव अगर आप लोग फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हो तभी जाके आप लोग को ये मिलने वाला है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट ऑन PSB फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेवर स्कीम आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग टैक्स सेवर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है और इसी दौरान आप लोग पैसा निकाल नहीं सकते हो, ये लॉक इन पीरियड रह जाता है, ठीक है, 5 साल तक, और टैक्स सेविंग होता है, ठीक है। तो पब्लिक के लिए 6.25, सीनियर सिटीजन केस में 6.75, स्टाफ मेंबर के लिए 7.25, और एक स्टाफ मेंबर के लिए या फिर एक स्टाफ सीनियर सिटीजन केस में 7.25 यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था टैक्स सेवर स्कीम और सीनियर सिटीजन केस में 0.5% एक्स्ट्रा आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी है 180 डेज का एबव अगर आप लोग करते हो तभी जाके यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा 0.50% एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे नीचे आप लोग करते हो तो नॉर्मल सिटीजन की तरह इंटरेस्ट रेट आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन केस में FD रेट पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।